क्या आपको पता है कि मॉडर्न ओलंपिक्स में अभी तक का सबसे यंगेस्ट ओलंपियन कौन होगा? तो चलिए आज मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। ग्रीक जिमनास्ट डिमिट्रियोस लोनड्रास, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन्होंने 1896 एथेन ओलंपिक्स में भाग लिया था, वो भी जब इनकी उम्र सिर्फ 10 साल की थी। सिर्फ 10 साल की उम्र में इन्होंने ओलंपिक्स में भाग लिया था। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है जो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल होता है उसका टोटल वेट होता है 556 ग्राम्स। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि गोल्ड मेडल पूरा गोल्ड का नहीं होता है, बल्कि गोल्ड उसमें सिर्फ 6 ग्राम्स यूज़ होते हैं। सिर्फ 6 ग्राम्स, यानी 550 ग्राम जो बचा है वो सिल्वर का होता है। यानी गोल्ड मेडल ऑलमोस्ट सिल्वर का होता है और उसमें केवल 6 ग्राम्स गोल्ड होते हैं। 6 ग्राम क्या है? नथिंग, कुछ नहीं। फैक्ट नंबर सेकेंड, या आपको पता है कि जो ओलंपिक गेम्स में 5 कलर्स होते हैं, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। आप ऐसी कोई भी कंट्री ढूंढ के दिखाइए जिसमें इन पांचों में से कोई एक भी कलर ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसी कोई भी कंट्री का फ्लैग हो जिसमें ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड में से कोई भी कलर ना हो। फैक्ट नंबर थर्ड, क्या आपको पता है कि पहला ओलंपिक ड्रग सस्पेंशन कब हुआ था और किसके साथ हुआ था? तो पहला ओलंपिक ड्रग सस्पेंशन हुआ था 1968 ओलंपिक्स में, और हैंस गुन्नर लिल्जेनवाल, जो कि एक स्वेडिश पेंथलीट है जिन्हें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इनके साथ हुआ था, क्योंकि अपने पेंथलॉन मैच से पहले पॉजिटिव पाए गए थे एल्कोहल के लिए। फैक्ट नंबर फोर्थ, क्या आपको पता है कि एंशियंट ओलंपिक्स में जो एथलीट्स हुआ करते थे वो खेल में भाग लिया करते थे न्यूड होके, यानी बिना कपड़ों के, क्योंकि ग्रीक में जिमनेसियम जो वर्ड है वो ग्रीक रूट से आता है जिसका नाम है जिमनॉस, जिसका मतलब होता है न्यूड, यानी बिना कपड़ों के। और अगर हम लोग इसका ट्रांसलेशन करें जिमनेसियम का, तो उसका मतलब होगा स्कूल फॉर नेक्ड एक्सरसाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल वाला आइकन प्रेस कर दीजिए और आप मेरे चैनल पर विजिट करिए, वहाँ पे आपको ऐसी और भी अमेजिंग फैक्ट्स वाली वीडियो मिलेंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक, टाटा बाय बाय।